परीक्षण में। ये देखिए आप, जब मेदांता गुरुग्राम से पार्थिव देह निकली अशोक रोड स्थित दिल्ली आवास के लिए, तो उस वक्त की तस्वीरें जो हमें मिली वो आप देखिए, एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है और यही एम्बुलेंस जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इसी एम्बुलेंस में रखा गया मुलायम सिंह यादव की पार्थिव देह को और ले जाया जा रहा है फिलहाल अशोक रोड स्थित जो दिल्ली में आवास है मुलायम सिंह यादव का, वहाँ पर। और उस एम्बुलेंस से भी आगे अखिलेश यादव चल रहे हैं। और अभी जो आपने लाइव तस्वीरें थोड़ी देर पहले देखी उसमें आप देख सकते हैं, देखिए आप ये एम्बुलेंस, ये सफ़ेद एम्बुलेंस जो है इसी में ले जाया जा रहा है मुलायम सिंह यादव की पार्थिव देह को अशोक रोड स्थित उनके दिल्ली आवास पर। और ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, मेदांता गुरुग्राम से ऐसे निकाला गया उनकी पार्थिव देह को इस एम्बुलेंस में और ले जाया जा रहा है फिलहाल दिल्ली में अशोक रोड स्थित उनके आवास पर। वहाँ कुछ देर रखा जाएगा, फिर वहाँ से ले जाया जाएगा सैफई यमुना एक्सप्रेसवे से और फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से। तो ये तस्वीरें जो कुछ देर पहले की हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं, ऐसे ही निकाला गया उनकी पार्थिव देह को एम्बुलेंस में मेदांता गुरुग्राम, मेदांता अस्पताल गुरुग्राम से, और अभी फिलहाल ले जाया जा रहा है अभी अशोक रोड स्थित उनके दिल्ली आवास पर। अविनाश तिवारी लगातार साथ चल रहे हैं और वो बता रहे हैं कि कैसे निकाला गया वहां से और कैसे बड़ी संख्या में अपने अपने वाहनों से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उस काफिले में हैं, उसके साथ चल रहे हैं, उनकी पार्थिव देह के साथ चल रहे हैं और जा रहे हैं अशोक रोड स्थित उनके आवास पर। कितनी संख्या में इस वक्त गाड़ियां होंगी अविनाश, चूंकि आप कह रहे थे कि एक तरह से दिल्ली जयपुर हाईवे जो है वो ब्लॉक ही हो गया है। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो तकरीबन 100 की संख्या है गाड़ियों की इस वक्त, चूंकि अगर बात करें तो जिस तरीके से सुबह सुबह ये सूचना आई, तकरीबन 9 बजे के बाद ये सूचना बाहर निकली है कि जब नेताजी के निधन की खबरें आनी शुरू हो गई थी, उसके बाद तमाम तरह जो दिल्ली NCR में कार्यकर्ता थे वो पहुंचने लग गए थे। जो बाहर के कार्यकर्ता थे वो तकरीबन एक हफ्ते से दिल्ली में बने हुए थे और उनमें से कई सारे कार्यकर्ता लौट भी चुके थे, क्योंकि सब लगातार उम्मीदें कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे और खुद अखिलेश यादव सभी से अपील कर रहे थे कि वो तमाम सारे कार्यकर्ता अपने अपने घरों में लौट जाएं और वहीं से लगातार दुआएं करें नेताजी के लिए, वहीं से लगातार प्रार्थनाएं करें। लेकिन आज सुबह जैसे ही दुखद खबर आई, उसके बाद तमाम सारे जो कार्यकर्ता पहुंच सकते थे वो पहुंचे, बिल्कुल स्वाभाविक है उनका लगाव इतना ज्यादा रहा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।